आज मैं अपने देशवासियों के सामने बहुत भारी मन से एक अपील करने के लिए खड़ी हूँ मेरे साथ गीता खड़ी है ये ना बोल सकती है ना सुन सकती है ये वही लड़की है जो 10-12 वर्ष पहले सरहद पार पाकिस्तान पहुँच गई थी कैसे वहाँ पहुँची ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है बोल पाती तो बता देती हमें मालूम पड़ा करीब दो वर्ष पहले कि भारत की एक बेटी पाकिस्तान में है प्रचलित भाषा में वो गूंगी बहरी है लेकिन पाकिस्तान की एक संस्था ईदी नाम की संस्था उसे पाल पोस रही है सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ईदी संस्था का जिन्होंने बहुत प्यार से इसे बेटी की तरह पाला और सुरक्षित रखा दो वर्ष बाद जब हमें पता चला तो हमने संपर्क किया और इससे पूछा तो इसने वहाँ से कागज पर अपना नाम गुड्डी लिखकर बताया इसलिए मैं कहूँगी गीता उफ गुड्डी गीता नाम मिसिज ईदी ने इसे दिया था क्योंकि हिंदुस्तान की बेटी होने के नाते उन्होंने कहा कि मैं इसे फातिमा नहीं बुला सकती मैं इसे गीता कहकर बुलाऊंगी लेकिन इसने वास्तव में अपना नाम ये थोड़ी हिंदी लिख सकती है उसमें गुड्डी लिखा था हमने इससे बात करने के बाद ये पूछा बात सांकेतिक भाषा में हुई थी तो पता लगा कि शायद ये बिहार या झारखंड की बेटी है हमने इसके परिवार वालों को खोजना शुरू किया और उस प्रयास में दस बारह परिवार ऐसे सामने आए जिन्होंने कहा यह हमारी बेटी है जो भी परिवार ये दावा करता था कि हमारी बेटी है उनके फोटोग्राफ्स हम पाकिस्तान में इसको भेज देते थे शुरू शुरू में करीब पाँच सात फोटोज़ इसने इनकार किया और कहा कि नहीं ये मेरे माँ बाप नहीं हैं बाद में एक फोटो को इसने पहचान कर कहा कि हाँ ये मेरे माता पिता की तस्वीर है तो भी इसके बात को पुष्ट करने के लिए हमने उस परिवार के बच्चों की फ़ोटो भेजी और पूछा कि क्या यही तुम्हारे भाई बहन भी हैं तो इसने कहा हाँ ये मेरे भाई बहन भी हैं हमें बहुत खुशी हुई कि परिवार मिल गया और यह कह कहकर हम इसको पाकिस्तान से ले आए लेकिन दुर्भाग्य हवाई अड्डे पर जब इसने उन लोगों को देखा तो कह दिया कि ना तो ये मेरे माता पिता हैं और ना मेरे भाई बहन हैं उस समय एक दुविधा हमारे सामने आकर खड़ी हो गई लेकिन तभी हमारा साथ दिया मूक बधिर संगठन इंदौर के संचालकों ने एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है इंदौर की तिरतालीस वर्ष पहले स्थापित हुई थी उन्होंने हमसे कहा कि आप चिंता ना करें माँ बाप नहीं मिले तो क्या आप इसे हमारी संस्था में भेजें दो वर्ष पहले हमने गीता को उस संस्था में भेज दिया वहाँ इसने सांकेतिक भाषा सीखी है सिलाई कढ़ाई सीख रही है कंप्यूटर पर भी काम करती है लेकिन माँ बाप के ना मिलने की पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही है कभी कभी बहुत विचलित हो जाती है बहुत रोने लगती है और जब जब मैं मिलती हूँ तो शिकायत करती है कि किसी तरह से मैडम आप मेरे माँ बाप को ढूंढ दो आज उसी के लिए अपील करने के लिए आपके सामने खड़ी हुई हूँ सबसे पहले मेरी अपील तो इसके माता पिता के लिए है कृपया सामने आइए और अपनी बेटी को अपनाइए मैं वादा करती हूँ इस बेटी को आपके लिए बोझ नहीं बनने दूंगी इसकी सारी जिम्मेदारी हम स्वयं वहन करेंगे शादी की पढ़ाई की लेकिन आप आइए आपकी बेटी तड़प रही है आपसे मिलने के लिए कृपया आइए इसे गले लगाइए मैं दूसरी अपील इसके रिश्तेदारों से जानकारों से करना चाहूँगी अगर आपको मालूम है क्या आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदारी में कोई परिवार ऐसा था जिनकी बच्ची न बोलती थी न सुनती थी और दस 12 वर्ष पहले खो गई थी तो कृपया आप हमें उनका पता बताइए ये एक पुण्याई का काम होगा एक खोई हुई बेटी को अपने माँ बाप से मिलवाना इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या हो सकता है लेकिन पुण्याई के साथ साथ मैं ये भी घोषणा करती हूँ कि जो भी व्यक्ति हमें गीता के माँ बाप को मिलवा देगा हम उसे एक लाख रुपए का इनाम भी देंगे मेरी दूरदर्शन वालों से तो अपील है ही कि वो इस पूरी की पूरी बातचीत को सात से दस दिन तक लगातार पूरे देश में चलाएँ डीडी मेट्रो पर भी चलाएँ डीडी न्यूज़ पर भी चलाएँ लेकिन मैं देश के सभी केबल ऑपरेटर से कहना चाहूंगी और विशेष तौर पर बिहार और झारखंड से कहना चाहूंगी बिहार और झारखंड के मुख्यमंत्रियों से भी कहना चाहूँगी क्योंकि इसकी बातचीत से लगता है कि ये या बिहार की है या झारखंड की आप छोटे से छोटे गांव के केबल ऑपरेटर से कहकर इस बातचीत को कम से कम सात दिन ज़रूर चलवाएं मेरा अंतर मन कहता है कि इस प्रयास से ज़रूर गीता के माता पिता मिल जाएंगे और जो सपना लेकर ये यहाँ आई है ये ऐसे हाथ करके इशारा करके कहती थी पाकिस्तान से ले जाओ मैं भारत की बेटी हूँ मैं अपने यहाँ जाना चाहती हूँ ये बहुत आस लेकर उम्मीद लेकर यहाँ आई है उसी उम्मीद को मैं पूरा कर सकूँ इसलिए ये अपील आपसे कर रही हूँ और मुझे विश्वास है आप मेरी इस अपील को मानते हुए ज़रूर कोई ना कोई आगे आएगा जो गीता के माता पिता से गीता को मिलवा देगा बहुत बहुत धन्यवाद